Dear students in this topic we shall discuss the spatial learning and cognitive maps used by animals spatial learning is the capacity to establish a memory that reflects environment's spatial structure ये एक ऐसी लर्निंग है जिसमें एक एनिमल अपने इन्वायरमेंट में मौजूद मुख्तलिफ चीजों की डायमेंशन और उनकी पोजीशंस को याद रखता है स्पेशल लर्निंग एनहांसेस एन ऑर्गेनिजम्स फिटनेस एंड सर्वाइवल इन द इन्वायरमेंट एवरी नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ the animal has some spatial variation for example the available locations of nest sites various types of environmental hazards which an animal can face available foods dispersion and prospective mates presence these are various factors which an animal keeps in mind, which are distributed in space in an animal's environment. Let us take an example of spatial learning. The behavior of female digger wasp explains the spatial learning behavior in an excellent way. स्प इन स्मॉल बरोज विच आर डाक इन टू सेंड माउंट ये जो अ वैस्प है ये आ, सेंड में रहती है और सेंड के माउंट में छोटे छोटे सी बरोज बनाती है जब ये अपने बरोज से बाहर निकलती है तो ये जाते हुए उसके ओपनिंग के ऊपर या सुराख के ऊपर सेंड डाल के जाती है और उसे बंद करके जाती है जब ये वापस आती है तो उस इलाके में बेशुमार अदर होल्स या बरोस मौजूद होती हैं। लेकिन इसके बावजूद इट डायरेक्टली गोज टू इट्स ओन नेस्ट दैट वाज एक्चुअली हिडन इट मींस कि इस वेस्ट ने अपने नेस्ट की लोकेशन को मेमोराइज किया हुआ था और इस मेमोराइजेशन में इट एक्चुअली हैड लर्न अबाउट द पोजिशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लैंडमार्कस विच एक्टेड एज पोजिशन इंडिकेटर टू फाइंड इट्स ऑन नेक्स्ट इस चीज का सबूत हमें इस चीज से मिलता है कि इसने कोग्नेटिव मैप्स बनाए हुए थे और लोकेशन ऑफ लैंडमार्क जहन में रखी हुई थी इसका सबूत हमें इस चीज से मिलता है कि अगर हम एक्सपेरिमेंटली इन लैंडमार्क्स की पोजीशन को चेंज कर दें कि जब वेस्ट अपना नेस्ट छोड़कर गई है उस दौरान में जो जो लोकेशन थी हम उनको आता आहिस्ता चेंज कर दें तो जब नेस्ट ये बग वापस आती है या वेस्ट वापस आती है तो इट इज कंफ्यूज्ड इट कैन नॉट फाइंड इट्स नेस्ट ये स्टूडेंट्स कॉग्निटिव मैप्स आर रिप्रेजेंटेशन इन दर्वस सिस्टम ऑफ द एनिमल अबाउट द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट विच आर प्रेजेंट इन एनिमल्स सराउंडिंग ये ऐसे मैप्स हैं जिनमें के एनिमल अपनी पोजिशन को लैंडमार्क की पोजिशन के साथ रिलेट करता है और मुख्तलिफ लैंडमार्क की पोजिशन को भी आपस में रिलेट कर लेता है ये जो कॉग्नेटिव मैप्स हैं दे आर बेस्ड ऑन एबस्ट्रेक्ट ज्योमेट्रिकल रूल्स ये जो ज्योमेट्रिकल रूल फॉलो किया जाता है दैट इज टू आइडेंटिफाई दाफ वेज बिटवीन लैंड मार्क्स दो लैंडमार्क्स याद कर लिए लेकिन उनके दरम्यान में क्या है उससे उनकी रिलेटिव पोजिशन का अंदाजा एक एनिमल के जेहन में कॉग्निटिव मैप के तौर पर बैठ जाता है दिस पैटर्न द अमाउंट ऑफ डिटेल रिक्वायर्ड टू रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट पोजिशन और लोकेशन कोग्नेटिव मैप्स आर एक्चुअली एन एडवांसमेंट ओवर Relying solely on landmarks positions, they make navigation more flexible and efficient. ये स्टूडेंट्स cognitive मैप्स की एक एग्जाम्पल हमें कलाक्स नट क्रैकर बर्ड्स में मिलती है ये बर्ड्स जो है ये फॉल सीजन में हजारों की तादाद में पाइन सीड्स स्टोर करते हैं एट थाउजेंड्स ऑफ लोकेशन विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एरिया उट थर्टी फाइव किलोमीटर स्क्वेर इतने बड़े एरिया में हजारों की तादाद में ये हाइडिंग प्लेसेस बनाते हैं जिन्हें काशे कहते हैं ये जो बर्ड्स हैं ये तमाम अपने काशे बनाने के बाद उनको याद भी रखते हैं और जब विंटर आ जाती है जब इनको उन इंड सीड्स की जरूरत होती है जो इन्होंने स्टोर कर रखे थे तो दे रीलोकेट देअर काशेज वेरी परफेक्टली बिकॉज दे हैव कोग्नेटिव मैप्स